अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर ज़ेरिश कुल हेयर फ्रॉम रावलपिंडी पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में पीआईडी को डिस्कस करेंगे। पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कॉमन और सीरियस इन्फेक्शन है। ये दुनिया भर में मिलियन ऑफ वुमेन को अफेक्ट करता है और अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। पीआईडी ऐसा इन्फेक्शन है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, जिसमें यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज और सराउंडिंग टिश्यूज शामिल हैं। ये आमतौर पर इस वक्त होता है जब वजाइना और सर्विक्स से बैक्टीरिया अपर रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर होता है और वहां इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन करता है। पीआईडी बुनियादी तौर पर एसटीआई यानी इनसेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से फैलता है, लेकिन कुछ केसेस में इसकी वजह एसटीआईज नहीं भी होते। ये इन्फेक्शन लोअर जेनिटल ट्रैक से अपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक फैलता है। सबसे पहले क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, ये बैक्टीरिया एसटीआई की वजह से होता है और पीआईडी की वजह बनता है। नाइजेरिया गोनोरिया, ये बैक्टीरिया भी एसटीआई की वजह से होता है और पीआईडी की वजह बनता है। इन दोनों टॉपिक्स में मेरी वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अदर बैक्टीरियाज एसटीआई के अलावा विजाइना और सर्विक्स में मौजूद बैक्टीरिया पीआईडी कॉज करता है। इनमें ईकोलाई और गार्डनेलिया वेजिनेलिस इंक्लूड हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो पीआईडी के रिस्क को बढ़ा देते हैं, जैसे कि एज। वो लड़कियां जो बहुत यंग एज में सेक्चुअली एक्टिव होती हैं, इनमें एज 25 के बाद पीआईडी के बाद चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ये वो खवातीन जो एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स रखती हैं, या ऐसी खवातीन जिनके पार्टनर्स एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स रखते हैं, इन वुमेंस में पीआईडी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पीआईडी, ऐसी वुमेंस जिनको पहले पीआईडी रह चुका हो वो मोर ससेप्टिबल होती हैं, इनको पीआईडी अगेन हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अगर आपके पार्टनर को कोई एसटीआई है और आप ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रोटेक्शन यूज नहीं करते तो आपको पीआईडी के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूज ऑफ इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जो खवातीन कॉन्ट्रासेप्शन यानी बर्थ कंट्रोल के लिए इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का इस्तेमाल करती हैं, उनमें पीआईडी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। रिसेंट पेल्विक सर्जरी, कुछ प्रोसीजर्स जैसे कि सर्जरी या बायोप्सी की वजह से भी पीआईडी के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ में डिफरेंट होती हैं। लोअर एब्डोमिनल पेन, पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प्स पड़ते हैं। ये दर्दें कभी मुसलसल होती हैं और कभी आहिस्ता होती हैं, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये पेन्स बढ़ जाती हैं। एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, पेशेंट को अनयूजुअल वजाइनल डिस्चार्ज होता है और ये डिस्चार्ज येलो और ग्रीन कलर का होता है और इसमें से अनप्लेजेंट ऑडर होती है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पेशेंट का मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, कभी पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं और कभी बहुत कम आते हैं, और कभी दो पीरियड्स के दरमियान में भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। पेनफुल यूरिनेशन, पेशेंट को यूरिन पास करते हुए पेन होता है और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी होता है। पेनफुल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स पेशेंट को पेन होता है और ये पीआईडी के बहुत कॉमन सिम्टम है। फीवर, पीआईडी के केसेस में पेशेंट को फीवर हो सकता है और इसके साथ सर्दी लगने और पेशेंट जल्दी थकावट का शिकार हो जाती है। पीआईडी को अगर टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। इनफर्टिलिटी, पेशेंट को कंसीविंग में बहुत डिफिकल्टी होती है। पीआईडी से पेशेंट की फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से एग्स ओवरी से यूट्रस में पास नहीं होता और पेशेंट इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पीआईडी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क को इंक्रीज कर देती है। इस केस में प्रेगनेंसी यूट्रस से बाहर इम्प्लांट हो जाती है और ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है। क्रॉनिक पेल्विक पेन, कुछ पेशेंट्स को पीआईडी ट्रीट होने के बावजूद पेल्विक पेन स्टार्ट हो जाता है। ये पेन ऑर्गन्स में इन्फ्लामेशन की वजह से बनता है। ट्यूबो ओवेरियन एप्सिस, कुछ केसेस में पेशेंट की ओवरीज फेलोपियन ट्यूब्स में एप्सिस हो जाता है, जिसका फौरी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। पेल्विक एडहेशन, पीआईडी पेल्विक रीजन में एडहेशन पैदा करती है जिससे मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन।
पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, सेक्सुअल एक्टिविटी और सिम्टम्स को चेक किया जाता है। पेल्विक एग्जामिनेशन के थ्रू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की इन्फ्लामेशन और टेंडरनेस को चेक किया जाता है। लेबोरेटरी टेस्ट बैक्टीरिया और एसटीआई की प्रेजेंस को चेक करने के लिए पेशेंट का यूरिन एनालिसिस और कल्चर टेस्ट किया जाता है। अल्ट्रासाउंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एबनॉर्मेलिटीज जैसे कि एप्सिस और फ्लूड फिल्ड ट्यूब्स को डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। लेप्रोस्कोपी कुछ केसेस में पेल्विक ऑर्गन्स को डायरेक्टली विजुलाइज करने के लिए लेप्रोस्कोपी की जाती है। पल्साटिला जब मेंसेस सप्रेस हो जाए, मेंस्ट्रुअल पेन हो और एसिडिक और बर्निंग लिकोरिया हो, पेट्रोसिलिनम जब यूरिन में बर्निंग हो जो होल यूरेथ्रा तक जाती हो, गनोरिया के केस में इफेक्टिव है और साथ मिल्की डिस्चार्ज होता है, हेपरसल जब यूट्रस से ब्लड आए, वजाइनल एप्सिस हो, एक्सट्रीमली ऑफेंसिव लेकोरिया जिसमें से ओल्ड चीज की स्मेल आए, थलास्पी बरसा जब यूट्राइन पेन के साथ ब्लड आए, हेमेचूरिया यानी यूरिन में ब्लड आए, ग्रीनल कॉलिक यानी गुर्दों में दर्द हो, यूरिन पास करते हुए शदीद दर्द हो, मर्कोर जब यूरेथ्रा में बर्निंग हो, ब्लडी और ग्रीनिश डिस्चार्ज हो, यूरेथ्रा में स्टैबिंग पेन्स हो। दवा को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें और दवा को अपनी अलामत के मुताबिक इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।